मैडम मेरा नाम मन्नू पंडित है, मेरा बड़ा गंभीर एक सवाल है। अगर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो शुरू में ही बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो मैं कह रहा हूँ, अभी ये बोल रहे थे किराए की भीड़ है। देखिए ये सब धर्मेंद्र सिंह के प्यार वाली भीड़ है, पहली बात। और एक गंभीर सवाल यह है, देखिए मैम, अगर अगर कोई जनप्रतिनिधि होता है या कोई पक्ष या विपक्ष का काम करता तो उनका काम होता है जनता के सुख दुख में खड़े रहना। ये सूट बूट वाले लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मेरा स्पष्ट सवाल है मैम, मैं इन्हें सूट पहना है वो खड़े हुए, मैं इन्हें आज नेता मान लूंगा केवल धर्मेंद्र सिंह को छोड़कर। जब ये कोरोना काल, धर्मेंद्र सिंह के जब कोरोना काल पे है जनता त्रस्त थी जेवर की, मैं जानना चाहता हूँ इनका एक ट्वीट या इनके फेसबुक पोस्ट कोई दिखा दे तो हम इन्हें नेता मान लेंगे ये सब। और सुनिए मैम, आज 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 ये वो धरती है जेवर की जहाँ भट्टा पारसोल कांड हुआ था। मैं बहुत छोटा था, मैं अपने दादाजी के साथ देखने गया था, किसान भाइयों को मार मार कर बिटोड़ के अंदर उनकी भाषण नहीं देना है। नेताजी है लग रहा है, है? चौधरी धीरेन्द्र सिंह जी, मुझे भी याद है, मैं आई थी वहाँ पर भट्टा पारसोल में। राहुल गांधी को आप मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे, वहाँ से लेकर बीजेपी तक का सफर किसानों के मुद्दे को उठाना और अब यहाँ पर परिवर्तन की बयार बहना। मैं ये बता रही हूँ, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया है, मैं आज जो आपका जेवर चौराहा है वहाँ गई थी, सामने मस्जिद भी है, वहाँ से लोग आ रहे थे और मुस्लिम भी, जिसको माना जाता है कि बीजेपी के लिए वोट नहीं करेंगे, वो भी धीरेन्द्र सिंह की बात कर रहे थे। तो क्या ऐसा कर रहे हैं आप जिसकी वजह से इस तरह का हो रहा है? देखिए, हम उस सनातन संस्कृति के लोग हैं जहाँ दुनिया को शांति का संदेश दिया जाता है, हम उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है। मैं पहले जवाब दूंगा अपने धर्मेंद्र भाई का, हाँ, कि इन्होंने बताया कि ऐसा क्या एक काम आपने किया। हाँ, काम गिनाना है जी। हाँ, यहाँ 70 साल से किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई कन्याओं के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया। 12वीं के बाद लड़कियां शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती थी। आज 5 साल के कार्यकाल में मैंने जनता से एक का वायदा किया था, लेकिन 3-3 डिग्री कॉलेज राजकीय है, जिसमें 2 कन्याओं के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंजूर कराया गया 100 बेडेड एम्स की तर्ज पर, चूंकि जिसमें गरीब लोग इलाज करा सकें। यहाँ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बनवाई गई है, यहाँ 589 करोड़ रुपए के काम ग्रामीण विकास के कराए गए हैं। इनके समय में भट्टा पारसोल के किसानों पर गोलियां बरसाई गईं, ये किस मुंह से हैं खड़े हुए हैं? इनके समय में 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसानों के नाम पर किया गया, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया। ये घोटालेबाज आज इस प्रदेश का अवंचन लूटना चाहते हैं, ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? घोटालेबाज लोग हैं। इनके समय में सड़कों पर गुंडागर्दी होती थी और मुझे तो शर्म आती है जिन चौधरी चरण सिंह साहब को हम लोग पूछते हैं, उनके लड़के अजीत सिंह साहब ने कहा था, जिस गाड़ी पे हो सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा। आज ये गुंडों से कर रहे, ये गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। आज योगी जी मार्च में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इनके हसीन जो सपने मुगेरी लाल के वो कभी पूरे नहीं होंगे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो नेता है भाजपा, हाँ, जो नेता है भाजपा निश्चित रूप से है दंगाई, पहले बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी परंपरा की बात करती है, आप मुझे बताइए हाथरस की बेटी को रात में जला दिया जाता है, ये कौन सी हिंदू संस्कृति है मुझे बताइए? आज अभी 2 दिन पहले बुलंदशहर में बेटी को रात में जला दिया गया बिना परिवार की परमिशन के, ये कौन सी हिंदू संस्कृति है? भारतीय जनता पार्टी छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात, इसके अलावा कुछ नहीं जानती है। ठीक है, एक सवाल हमारे, ये गलत है बैठिए भैया, प्लीज देखिए, मैं आ रही हूँ बाबा आ रही हूँ आपके पास। हमारे विधायक जी 5 साल तक हमारे विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में विकास किया है। मुझे सवाल पूछिएगा, देखिए ऐसा बड़ा कम मौका मिलता है जब जनता बैठी हो, नेता सामने सवाल पूछिए, आप मतलब लेक्चर नहीं, मतलब सवाल पूछिए सर, किससे पूछिएगा? विधायक जी से पूछिए, उनसे पूछिए, उनसे युद्धवीर जी हैं, जिससे पूछना है पूछिए, चॉइस इज योर्स। विधायक जी से पूछो, मैं पूछता हूँ विधायक जी से ही, हमारे नहीं है इनके पास सवाल नहीं है। हमारे विधायक जी अपने विकास के बारे में बताया उन्होंने नहीं, बता ही रहे, चलिए आप पूछिए। मैं सवाल पूछता हूँ,
सवाल ये है, मेरा सपा कार्यकर्ता जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप लोग उस समय कहाँ थे जब मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, उनके जमाने में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तो तुम्हें हम वोट क्यों दें? मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सबसे जो अभी बोला गया विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने क्या किया है, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी जमीन गई है, लेकिन इन्होंने 2 साल के अंदर पूरी दुनिया में डंका बजा दिया एयरपोर्ट लाके, 70 साल में इन्होंने क्या किया है?